हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडिड ट्रीट। और आज की रेसिपी होगी क्यूकम्बर लेमोनेड की। और अगर आप भी अपने लेमोनेड को कुछ अलग सा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। यह बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। और अगर पुराने हैं, देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 खीरों को काट लिया है। इसका मैंने छिलका नहीं निकाला है, सिर्फ इसे काट लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। और अब इसे एक मिक्सर जार में डाल दें। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है आपके सिंपल से लेमोनेड को कुछ डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। और अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर दें। और अब इसके जूस को निकालने के लिए एक छन्नी लें और उसमें से इसके जूस को निकाल लें। सो यहाँ पर आप इसे बिना छाने हुए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसका सिर्फ जूस चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और इसका जूस निकाल लिया अच्छे से। और आप इस बचे हुए पल्प का रायता भी बना सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, और उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। और वो रेसिपी क्या होगी वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट रेसिपी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। और अब यहाँ पर डाल दें 3 से 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, और उसके बाद डालें 1/2 लेमन का जूस। यहाँ आप चाहे तो चीनी की जगह पर हनी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा जाएगा इसके साथ। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें जिससे कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। सो यहाँ हमारा खीरे का जूस रेडी है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिनों के लिए, लेकिन आप इसे फ्रेश बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब क्यूकम्बर लेमोनेड बनाने के लिए एक ग्लास लें, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ एक खीरे के स्लाइस के साथ। ये ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें डाल दें 3 से 4 आइस क्यूब्स। और अब यहाँ पर डाल दें 4 से 5 टेबलस्पून खीरे का जूस। यहाँ पर आप जूस की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसमें डाल दें पानी, यहाँ पर मैं ठंडा पानी का यूज़ कर रही हूँ। और बस हो गया हमारा रिफ्रेशिंग क्यूकम्बर लेमोनेड रेडी है सर्व करने के लिए। और आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे समर ड्रिंक रेसिपीज़ मिल जाएंगे, आप उसे भी चेक कर सकते हैं।